वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में अभी करीब एक साल का वक्त है, लेकिन चुनाव से पहले ही अब पार्टियों के कार्यकर्ता और नेताओं का पाला बदलने का दौर शुरू हो चुका है। इसी बीच दुर्ग जिले के दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। दरअसल गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने विधानसभा क्षेत्र दुर्ग ग्रामीण के कई कार्यकर्ता फिलहाल सरकार संगठन और अपने विधायक से नाराज चल रहे हैं। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के विधानसभा क्षेत्र दुर्ग ग्रामीण के रिसाली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने भाजपा में प्रवेश कर लिया है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल के निवास पहुंचकर भाजपा का गमछा पहन पार्टी में प्रवेश किया। आए दिन भ्रष्टाचार, बलात्कार, शराबखोरी और लोगों को बेवजह पुलिस के माध्यम से परेशान कर, जो माफिया बड़े बड़े मेट्रो सिटी में हुआ करते थे आज यहाँ भिलाई में दिखने लगे हैं। भिला चोरी, ये सब से पूरे छत्तीसगढ़ के जनता तो त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस के ही कार्यकर्ता अब त्रस्त हो चुके। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें आदरणीय दुर्ग जिले के लाडले सांसद महोदय जी विजय बघेल भैया जी अपने बीजेपी के टीम में बुलाए। हम 2 से 3 साल से मैं जुड़ा हुआ था, वहाँ न तो मान न तो सम्मान कुछ नहीं मिलता था, और यहाँ आने से हम लोग को मान भी मिला, सम्मान भी मिला, जो चाहिए था वो भी, और हमको आगे कर रहे हैं युवाओं को और महिलाएं दीदी बहन लोग को भी किया जा